ओम शांति। आज की तारीख है 14/8/16 और आज हम फिर से सुनेंगे प्राण प्यारे मीठे मीठे अव्यक्त मूर्त धारी अव्यक्त मीठे मीठे बाप दादा की ज्ञान मुरली। तो रिवाइज कोर्स की तारीख है 3/11/81 और आज की ज्ञान मुरली का जो शीर्षक है वह है बाबा कहते हैं कि योद्धा नहीं लेकिन दिल तख्त नशीन बनो। हम जानते हैं सबसे ऊंचे से ऊंचा तख्त इस त्रिभुवन के अंदर यदि कोई है तो वो है स्वयं परमपिता परमात्मा का ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चों को दिल तख्त नशीन बनाना। तो दिल तख्त तो हम बाप दादा के दिल तख्त नशीन बच्चे हैं, तो योद्धा बन करके हम सदैव युद्ध करते रहे ये शोभा नहीं देता। इसीलिए मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि योद्धा यदि बन करके युद्ध करनी है तो इसी निश्चय के साथ करो कि आप विजयी योद्धा हो, हारने वाले योद्धा नहीं हो, क्योंकि विजय आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आइए सुनते हैं आगे। अब मीठे मीठे बाप दादा हम बच्चों को कौन से मधुर महावाक्य सुना रहे हैं? तो बाप दादा कहते हैं कि आज दूर देश में रहने वाले कौन, दूर देश में कौन रहता है? हाँ, स्वयं मीठे मीठे परम पिता शिव बाबा। तो दूर देश में रहने वाले परदेशी बाप अपने बच्चों से मिलन मनाने आए हैं, बच्चों को भी स्वदेश की स्मृति दिलाने आए हैं। हम भी दूर देश के निवासी परदेशी हैं, लेकिन हमने स्वदेश भुला दिया है और पराए देश को अपना देश समझकर हम यहीं अटक गए हैं। तो बाबा स्मृति दिलाने आए हैं और समर्थ बनाए साथ में ले जाने के लिए आए हैं। स्वदेश स्मृति में आ गया है ना? हाँ, बाबा ने याद दिला दिया है तो हमें स्मृति में आ गया है। ये पराया देश और पराया राज्य है क्योंकि माया राज्य कर रही है। पांच विषय विकार रूपी रावण का यह राज्य है जिसमें पुराना ही पुराना दिखाई देता है। चाहे व्यक्ति देखो या वस्तु देखो, सब क्या दिखाई देता है? सब जड़ जड़ी भूत हो गए हैं। मुझे एक बात याद आती है साकार बाप दादा की। जब साकार में ब्रह्मा बाबा मुंबई में आते थे तो कभी 3 मास कभी 4 मास ऐसे बाबा का रुकना होता था और बाबा जहाँ निवास करते थे वहाँ हम सभी मुरली सुनने जाया करते। तो बाबा के पास हम जब जाते थे तो कई बार ऐसा भी होता था कि बाबा के साथ हम भी कार में बैठते थे, बाबा लौकिक पिता के साथ कार में बैठते थे, कभी रमेश भाई की कार में, कभी काकू भाई की कार में। तो मुझे याद है कि एक बार मैं बाबा के पीछे बैठी थी, जो भी रास्ते में मुझे जिस चीजों में आकर्षण होती थी वो चीजें मैं बाबा को दिखाती जाती थी। तो कोई पोस्टर आ जाते थे बड़े बड़े या कोई ऐसी दुकान आती थी जिसमें बहुत लाइटें लगी हुई होती थी या बहुत डेकोरेशन होता था, तो मैं तुरंत बाबा के गले में हाथ डाल के बोलती थी कि बाबा ये देखो ये कितना बड़ा पोस्टर है और देखो ये कैसा है, बाबा ये देखो कैसा है। फिर कोई व्यक्ति होती थी मुझे जिसमें सुंदरता दिखाई पड़ी तो मैं कहती थी बाबा ये व्यक्ति देखो कितनी सुंदर है। तो मुझे बाबा ने पता है हमेश क्या जवाब दिया? जिस जवाब ने आज मुझे वही आंखें दी, नेत्र दिए, जिससे मैं पुरानी दुनिया के आकर्षणों से
स्वयं को मुक्त कर सके। बाबा मुझे कहते थे, अरे बच्ची क्या देखना, ये पुरानी दुनिया है और सब बंदर ही बंदर, सब पुराना ही पुराना दिखाई पड़ता है, तो पुराने को क्या देखना, बंदरों को क्या देखना। तभी मेरे को ये बात समझ में नहीं आती थी, परंतु बाबा जिस नजरों से बाबा देखते थे, आज उसी नजर से, यानी बाबा ने जो दिव्य नेत्र दिया है, जब बाबा की नजर से मैं देखती हूँ, तो सचमुच ऐसा ही लगता है कि इस दुनिया को क्या देखना, क्योंकि बाबा ने कितना सुंदर पावन स्वर्ग दिखा जो दिया है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं तो बाबा कहते हैं, सब जड़ जड़ी भूत हो गए हैं, चारों ओर अंधकार छाया हुआ है, ऐसे देश में आप सभी बंधनों में बंधे हुए बंधन मुक्त आत्मा बन गए, तब बाबा कर स्वरूप और स्वदेश की स्मृति दिलाए, बंधन मुक्त बनाए, अब स्वदेश में ले जाते हैं। साथ साथ स्वराज्य के अधिकारी भी बनाते हैं, तो सभी बच्चे अपने स्वदेश में जाने के लिए तैयार हो। क्या जवाब है सभी का? सभी अपनी अपनी रीति से बाबा को जवाब दें। वह जैसे आप लोग एक ड्रामा दिखाते हो ना, स्वर्ग में जाने के लिए चाहते हुए भी कोई विरला ही तैयार होता है। एक नाटक है, स्वर्ग में एक सीट खाली है, तो नारद जी जो कि ब्रह्मा का ही रूपक है, तो वो सभी को पूछने निकलते हैं कि आप स्वर्ग में चलोगे, तो कहते हैं हाँ स्वर्ग में जाना तो जरूर है, लेकिन हर कोई ने कोई ना कोई बहाना दिया कि मैं मेरे पोतरे की शादी देख लूं फिर चलूं, कोई कहे कि मेरा फलाना संबंधी बीमार है वो ठीक हो जाए तो चलूं, कोई कहे मेरी यह आश रह गई है मैं नया बंगला बना लूं, थोड़ा बंगला देख लूं फिर मैं चलूं। इस प्रकार हरेक ने कोई ना कोई बहाना बताया और कोई चलने को तैयार नहीं हुआ। नारद जी ने तो समझा कि स्वर्ग का नाम लेंगे सब चलने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन सीट खाली की खाली रही। तो इस पर एक बहुत सुंदर नाटक बना है जो बाबा याद दिला रहे हैं। जैसे आप लोग एक ड्रामा दिखाते हो, स्वर्ग में जाने के लिए चाहते हुए भी कोई विरला ही तैयार होता है, ऐसे ही बातें बनाकर चलेंगे चलेंगे कहने वाले तो नहीं हो। हाँ, यहाँ तक कि एक कीचड़ में, गंध में सड़ा हुआ, दुर्गंध में पड़ा हुआ कीड़े को भी पूछा कि भाई तू स्वर्ग में चलेगा, यहाँ तो कितनी दुर्गंध है, कीचड़ है, गंदा है। तो बोला नहीं, मैं तो इधर ही रहना पसंद करूँगा, मुझे स्वर्ग की सुगंध नहीं चाहिए। तो बाबा कहते हैं, हिसाब किताब समाप्त कर लिया है, वह अभी कुछ रहा हुआ है। अपने हिसाब किताब के समाप्ति का समाप्ति समारोह मना लिया है, वह अभी तक उसकी तैयारी कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ऐसे तो नहीं समझते हो कि अंत में ये समाप्ति समारोह मनाएंगे? समाप्ति समारोह अब से मनाएंगे, तब अंत में संपूर्णता समारोह मनाएंगे। बाबा कहते अभी से नंबर वार सबकी समाप्ति करते जाओ, तब जाके अंत में संपूर्ण समारोह मनाओगे। तो ये पुराना हिसाब किताब समाप्त करना है, वो अब करने से बहुत काल के बंधन मुक्त और बहुत काल के जीवन मुक्त पद को पा सकेंगे। बाबा कहते उसी समय करो और उसी समय प्राप्ति हो, ऐसा नहीं होगा। बंधनों को बहुत काल से तोड़ने की मेहनत करनी होगी,
जब बहुत काल से करेंगे तब जा करके जीवन मुक्त पद को भी बहुत काल के लिए प्राप्त करेंगे, नहीं तो अंत तक युद्ध करने वाले योद्धा ही रह जाएंगे। जो अंत तक योद्धा जीवन में रहता है उसकी भला प्रारब्ध क्या होगी? योद्धा जीवन तो बचपन का जीवन है, अब तो स्वराज्य अधिकारी हो गए। बाबा कहते अब तो बड़े बच्चे हो गए, राज्य संभालने वाले, तो स्वराज्य अधिकारी हो गए। स्मृति का तिलक, बाप के तिलक दिल तख्त नशीन हो गए। बाबा ने तिलक भी दे दिया और दिल तख्त नशीन भी बना दिया। तो तख्त नशीन योद्धे होते हैं क्या? युद्ध की प्रारब्ध, तख्त और ताज सब मिल गया, क्या ये वर्तमान प्रारब्ध व प्रत्यक्ष फल आप सभी को प्राप्त नहीं हुआ है? हम कहेंगे हमको नहीं हुआ है, नहीं, हमें तो बाबा ने तिलक भी दिया, ताज भी पहनाया और तख्त पर भी बिठाया है। जबकि वर्तमान के साथ भविष्य का संबंध है, तो गीत क्या गाते हो कि पाना था वो पा लिया, या पाना है? क्या गीत गाते हो कि पाना बाकी है या पाना था वो पा लिया? तो भविष्य प्रारब्ध 2500 वर्ष है, तो क्या वर्तमान प्रारब्ध अंत के 5-6 मास होगी, व 5 दिन की होगी, व 5 घंटे होगी, व बहुत संगम का बहुकाल होगा? क्या होगा? बाबा इज आस्किंग, अगर संगम युग की प्रारब्ध बहुकाल नहीं होगी तो भविष्य प्रारब्ध बहुकाल कैसे होगी? बाबा कहते संगम का भविष्य राजधानी से संबंध है। अगर संगम में बहुकाल की प्राप्ति है तो भविष्य में भी बहुकाल की प्राप्ति होगी। वहाँ के 2500 वर्ष और यहाँ के 2500 वर्ष नहीं होंगी। बाबा कहते हैं वहाँ के 2500 वर्ष और यहाँ के 25 वर्ष डायरेक्ट बाप के बच्चे बन संगम युग का सदा काल का वर्षा नहीं पाया तो बाकी पाया ही क्या? हाँ, भगवान मिले और 25 वर्ष भी अगर वर्षा नहीं पाया तो बाबा कहते बाकी क्या पाया? सर्व खजानों की खानों के मालिक, हाँ? उसके हम बालक बन खजानों से संपन्न नहीं बने तो मालिक के बालक बन करके क्या किया? हाँ, बाबा कहते फिर हमको अपने आप में लज्जित होना चाहिए। अच्छा, आगे हमारे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये कहते सदा सफलता का अनुभव नहीं किया तो जन्म सिद्ध अधिकारी बन के क्या किया? बाबा से भाग्य विधाता के दोनों बाप के बच्चे बने फिर भी सदा पद्मा पदम भाग्यशाली न बने तो दो बाप के बच्चे बन के क्या किया? श्रेष्ठ कर्मों की व श्रेष्ठ चरित्र बनाने की अति सहज विधि वरदाता बन के बाप विधि फिर भी सिद्धि स्वरूप नहीं बने कि क्या? युद्ध करना, मेहनत करना, धीरे धीरे आराम से चलना, यही पसंद है क्या? हाँ, बाबा कहते क्या ये पसंद आता है आपको? युद्ध का मैदान पसंद आता है क्या? हाँ, युद्ध करते रहना पसंद है, दिल तख्त पसंद नहीं है क्या? क्योंकि दिल तख्त पर तो विजयी बैठेंगे, योद्धा नहीं बैठेगा।
अगर तख्त ही पसंद है तो तख्त नशीन के पास माया तो आ नहीं सकती। जब माया नहीं आएगी तो युद्ध किससे करेंगे? तख्त से उतरकर युद्ध के मैदान में चले जाते हो तब मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कई बच्चे होते हैं लड़ने झगड़ने के बिना रह नहीं सकते, उनका जैसे वो रोज का भोजन होता है, खुराक होती है, जब तक किसी से लड़े नहीं झगड़े नहीं उन्हें चैन नहीं आएगा। और कोई नहीं मिलेगा तो अपने से ही कोई न कोई कश्मकश करते रहेंगे। अब इस पर भी एक बहुत अच्छी कहानी है कि एक ऐसी ही बहन थी जो बहुत बड़े मोहल्ले में रहती थी और मोहल्ले में उसको यह एक प्रकार की आदत पड़ गई थी, रोज किसी न किसी बहाने से किसी न किसी पड़ोसी के साथ वो लड़ाई करती थी, झगड़ा करती, और उसके ये संस्कार बहुत पक्के हो चुके थे। वो रोज कोई न कोई कारण पता नहीं कैसे पर ढूंढ लेती थी और झगड़ा करती थी। सारे मोहल्ले निवासी उनसे बड़े परेशान थे कि अभी इसका ये लड़ना झगड़ना बंद कैसे करे, क्योंकि जब वो लड़ना झगड़ना शुरू करती थी तो वो नॉन स्टॉप इतनी वाचा को यूज करती थी, इतने अपशब्द बोलती थी, इतना जोश में क्रोध में इतनी अशांति फैला देती थी। तो सभी बड़े त्रस्त थे, परेशान थे। तो सभी ने एक दिन आपस में मीटिंग की कि इसकी इस आदत को मिटाने के लिए या फिर ये रोज रोज ऐसे न करे उसके लिए हम क्या करें, तो मिलकर के कोई युक्ति निकाले जिससे हमें मुक्ति मिले। बाबा कहते ना युक्ति से मुक्ति मिलती है। तो उन्होंने भी आपस में मीटिंग की, ये डिसाइड किया सबने मिलकर के कि कल वो जिस भी पड़ोसी के साथ लड़ना झगड़ना शुरू करे उस पड़ोसी को तो क्या, लेकिन पूरे मोहल्ले में कोई उसको मुंह नहीं देगा, सभी उसको इग्नोर करेंगे, डोंट केयर करेंगे और सभी शांत रहेंगे, चाहे वो कितनी भी गालियां दे ले। सभी ने दृढ़ निर्णय ले लिया। बाबा भी कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती, सभी ने निश्चय कर लिया। जब दिन हुआ दूसरा तो उसने कोई बहाने से किसी से लड़ना शुरू किया, लेकिन सभी शांत रहे, जिससे लड़ना शुरू किया वो भी शांत। जब देखा ये शांत है तो दूसरे को उसने पकड़ा कि देखो ये कुछ बोलती नहीं, अपने को क्या समझती है, फिर उसके साथ बोलना शुरू कर दिया। पर वो जिससे भी बोलने जावे सभी शांत रहे। आखिर वो अकेली अकेली खुद मोहल्ले के बीच में खड़ी होकर के खूब बोलने लगी तो भी कोई ने जवाब नहीं दिया। आखिर वो तंग होकर के और पास में जो कुआ था कुएं के पास गई और एक पत्थर उठाया और जोर से पत्थर गुस्से में उसने कुएं में फेंका। जैसे ही पत्थर कुएं में फेंका तो जरूर उसका आवाज तो आएगा ही, पानी के अंदर जो इतनी दूरी से पत्थर पड़ा तो उसका आवाज आया टुबक टुबक। तो उसने बोला क्या टुबुक टुबुक टुबुक, तेरी माँ टुबुक, तेरा बाप टुबुक, तेरा ये टुबुक, तेरा वो टुबुक, तेरा ये, ऐसे बोलती जाए, नॉन स्टॉप बोलती जाए, गाली गलौज करती जाए, पत्थर लेती जावे फेंकती जावे और टुबुक टुबुक की आवाज भी बढ़ती चली जावे। आखिर वो कहाँ तक बोलेगी और कितना बोलेगी जब पानी से भी उसे जवाब मिलते ही रहे मिलते ही रहे। अब वो बोल बोल करके थक गई, क्या करे। आखिर वो शांत हो गई, शांत हो करके जब थक करके बैठी तो उसको ये महसूस हुआ कि मैं व्यर्थ में सभी के साथ लड़ाई झगड़ा करके खुद को ही कश्मकश में डालती हूँ, खुद को ही तकलीफ पहुँचाती हूँ और सभी को व्यर्थ की तकलीफ पहुंचाती हूँ। इसलिए मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि जो ऐसे स्वभाव हैं, उन स्वभाव और संस्कारों का हम परिवर्तन करें, जबकि हमें पता है
कि हमारा ये स्वभाव अच्छा नहीं, हमारा ये संस्कार अच्छा नहीं, तो क्यों नहीं हम उसे महसूस करें, स्वीकार करें और फिर बाबा ने जो युक्तियां सिखाई है हम उन युक्तियों से स्वयं को मुक्त करें और अन्य आत्माओं को भी मुक्ति प्रदान करें। युद्ध के संस्कार बाबा कहते हैं राज्य तत्व छुड़ाने के भी युद्ध के मैदान में ले जाते हैं। बाबा कहते हैं युद्ध के यदि संस्कार होंगे ना तो क्या होगा, राज्य छुड़ा के तख्त छुड़ा के भी वो क्या करेगा, युद्ध के मैदान में खींच करके ले जाएगा। अब युद्ध के संस्कारों को इसीलिए समाप्त करो, राज्य के संस्कार धारण करो, प्रालब्धी बनो तब बहुकाल के भविष्य प्रालब्धी बनेंगे। अंत तक योद्धेपन की जीवन होगी तो क्या बनेगी, चंद्रवंशी बनना पड़ेगा। बाबा कहते फिर योद्धा जीवन वाले सूर्यवंशी के घराने में नहीं आएंगे। तो अभी हमें डिसाइड करना है कि हमें चंद्रवंशी बनना है या सूर्यवंशी बनना है। अब बाबा हमें सूर्यवंशियों की निशानियां बता रहे हैं, उनके लक्षण क्या दिखाई पड़ेंगे। सूर्यवंशियों की निशानी सदा खुशी की रास करने वाले, सदा अतींद्रिय सुख के झूले में झूलने वाले। चंद्रवंशी राम को कभी झूले में नहीं झुलाते, झूले में किसको झुलाते हैं, सूर्यवंशी सभी का लाडला, सभी का प्यारा पूज्य बाल श्री कृष्ण को ही झूले में झुलाते हैं। रास भी राम की नहीं दिखाते हैं, रास करता हुआ भी गोपियों के संग कृष्ण को ही दिखाया जाता है। युद्ध का तो तीर और कमान ही दिखाते हैं, पीछे का राज्य भाग्य मिलेगा, आधा समय का राज्य बहुत काल तो नहीं हुआ ना। हाँ चंद्रवंशी भी बनेंगे परंतु राज्य भी कौन सा मिलेगा, बाद का। चंद्रवंशी त्रेता युग जब पूरा होने पर होगा तब जाकर के थोड़ा सा राज्य मिलेगा। तो सदा झूले में झूलते रहो, सर्व से रास मिलाते हुए, यानी सर्व के साथ अपने स्वभाव संस्कारों को मिलाते हुए खुशी की रास करते रहो। इसको कहा जाता है संगम युगी प्रालब्ध स्वरूप। पुरुषार्थी है ये शब्द भी कहाँ तक, ये शब्द भी योद्धे की निशानी, तो कहाँ तक ये शब्द बोलते रहेंगे। मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि अभी अभी पुरुषार्थी और अभी अभी प्रालब्धी, संगम के पुरुषार्थी सतयुग के प्रालब्धी नहीं, संगम युग के प्रालब्धी बनना है। बाबा कहते अभी से सतयुगी प्रारब्ध वाले नहीं बन जाना, हाँ आराम से खाओ पियो सो उठो, नहीं, संगम युग के प्रारब्धी बनना है कि अभी अभी बीज बो और अभी अभी फल खाओ। जब साइंस वाले भी हर कार्य में प्राप्ति की गति को तीव्र बना रहे हैं, तो साइलेंस की शक्ति वाले अपनी गति को उससे भी ज्यादा तीव्र करेंगे। बाबा कहते जैसे साइंस वालों ने अपनी प्रगति की खोज की गति तीव्र की है, तो संगम युगी जो साइलेंस वाले हैं, तो साइलेंस की शक्ति वाले ज्यादा अपनी गति को तीव्र करेंगे ना। एक जन्म में करना और दूसरे जन्म में पाना, वे लोग आवाज की गति से भी तेज जाना चाहते हैं, सब कार्य सेकंड की गति से वो आगे करना चाहते हैं। इतने सारे विश्व का विनाश कितने थोड़े समय में करने के लिए वो तैयार हो गए हैं। तो स्थापना के निमित्त बनी हुई आप आत्माएं सेकंड में करना, सेकंड में पाना,
ऐसी तीव्र गति के क्या अनुभवी नहीं होंगे? तो समझा अभी क्या करना है? प्रत्यक्ष फल खाओ। प्रत्यक्ष फल क्या अच्छा नहीं लगता? मेहनत करने वाला फल अच्छा लगता है। हाँ, बाबा कहते शायद तुम बच्चों को मेहनत करने वाला फल अच्छा लगता है। मेहनत का सूखा फल खाके तो ऐसे कमजोर बन गए, नैनहीन, बुद्धिहीन और श्रेष्ठ कर्महीन बन गए। अब तो ताजा प्रत्यक्ष फल खाओ। मेहनत को क्या करो? मोहब्बत में बदल दो। अच्छा, ऐसे सदा राजवंश के संस्कार वाले, सदा सर्व खजानों के अधिकारी अर्थात बालक सो मालिक, सदा संगम युगी प्रालब्धि संस्कार वाले, प्रत्यक्ष फल खाने वाले, ऐसे सदा प्राप्ति स्वरूप, सदा सर्व बंधन मुक्त, संगम युगी जीवन मुक्त, ऐसे तख्त और ताजदारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब हम सुनेंगे आज का वरदान। तो आज का वरदान है मनन शक्ति के द्वारा शक्तिशाली बन विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले, सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। बाबा कहते हैं कि वर्तमान समय मनन शक्ति के द्वारा आत्मा में सर्व शक्तियां भरने की आवश्यकता है। कैसे भरेंगे? मनन शक्ति के द्वारा। इसके लिए अंतर्मुखी बन हर पॉइंट पर मनन करो तो मक्खन निकलेगा और आप शक्तिशाली बन जाएंगे। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं अतींद्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव करती हैं। उन्हें अल्पकाल की कोई भी वस्तु अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। उनकी मग्न अवस्था के द्वारा, किसमें मग्न? बाबा की याद की, स्नेह की, लगन में मगन। तो ऐसी मगन अवस्था के द्वारा जो रूहानियत की शक्तिशाली स्थिति बनती है, उससे विघ्नों का फोर्स जो होता है ना, वो बाबा कहते हैं समाप्त हो जाता है। स्लोगन है आज का, ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले ही तख्त नशीन बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।